11th क्लास स्टूडेंट हम बेटा आपका कर रहे हैं चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। तो ये आपका क्लास 11th का चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो लास्ट हमने आपकी फर्स्ट जो क्लास थी इस चैप्टर की, तो उसमें हमने डिस्कस किया था बेटा कैसे हमारे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ऑक्टेट रूल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हमने कॉसल इन रिलेशनशिप पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में। तो नेक्स्ट है हमारा बेटा मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है, बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं हमारे, दी केमिकल बॉन्ड विच फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अनदर इज टर्म इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो क्या होता है, हमारे पास हम बेसिकली बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे पास तब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मतलब बॉन्ड शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे को वन से एक से ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, जब भी हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो इफ़ दीज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ, तो उसको दोनों, अगर हमारे पास जब भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, जैसे लाइक हमारे पास मैं एच के साथ बॉन्ड फॉर्म करवा रही हूँ, वन इज़ एच एंड देन आल्सो एच हैव वन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो क्या हुआ, इनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, तो उन्होंने दोनों ने एक को एक एक बॉन्ड का मतलब उन्होंने एक एक बॉन्ड शेयर किया, तो इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नेक्स्ट इज आयनिक एंड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड्स के बारे में आपने पढ़ा है लास्ट वाली आपकी 10th क्लास में, तो जिसमें क्या होता है, आपके पास एक अनाइन फॉर्म होता है, एक कटाइन फॉर्म होता है, मतलब दोनों के चार्ज अपोजिट होते हैं, लाइक वी हैव NaCl, N हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड Cl हैविंग नेगेटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो इनको इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, तो आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हो। हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें NaCl की, तो इनमें आपस में शेयरिंग होती है, आपको पता है ये देखो कैसे शेयरिंग होती है, मैंने शो किया हुआ है। Na के पास क्या होता है, ये देखो 281 इसका कॉन्फ़िगरेशन है और Cl का 287, तो मीन इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनके साथ ये शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। शेयरिंग होने के बाद NaCl हमारे पास फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज Na-ion हैज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na वाइल Cl-ion रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। तो Na किसकी कॉन्फ़िगरेशन, जो Na होता है वो Na की नियॉन गैसेस की रिप्रेजेंट करता है और Cl आर्गन की। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की कैसे फॉर्मेशन होती है, ये देखो Mg के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, O के 6, एक एक इसका होता है और ये इनके साथ शेयरिंग कर लेता है, हमारे पास Mg2+O2- फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं जहाँ गेन करते हैं और हमारे पास आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो जो हमारे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उनको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एज वी नो दैट आयनेशन थैल्पी ऑफ एनी एलिमेंट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू कटाइन। तो क्या होता है, आयनेशन थैल्पी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होगा, क्योंकि क्या होता है, किसी जैसे हमारे पास जितना मतलब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं तो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, तो हमें कितनी एनर्जी यूज़ हुई, तो उसको आयनेशन थैल्पी बोलते हैं, आपने अपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था बेटा। तो नेक्स्ट इज ड्यू टू द रीज़न एल्कली मेटल हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं उनको हमारे मोर बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन थैल्पी लेस होती है, तो अगर लो आयनाइजेशन थैल्पी होगी तो हम इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिस इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इट मीन कि हमें किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की भूख है, हंग्री है उसके लिए। इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज व्हेन एन आइसोलेटेड गैस एटम टेक्स अप एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन। ग्रेटर द नेगेटिव इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी ईजर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एनायन, कॉन्सिक्वेंटली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इंक्रीज। तो क्या होता है, हैलोजन्स में हमारे पास, हैलोजन के पास हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, सो दी बॉन्ड फॉर्मेशंस ऑफ एनायन इज वेरी कॉमन इन हैलोजन्स। तो नेक्स्ट ईयर ये देखो Cl के साथ इलेक्ट्रॉन अटैच हो रहा है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के गेन की एंथैल्पी की वैल्यूज
माइनस में चली जाती है। नेक्स्ट इज लैटस एनर्जी और एंथैल्पी। सेकंड फैक्टर इज लैटस एनर्जी। तो क्या होती है, ये क्या होती है, किसी भी हम एटम को सेपरेट करना चाहते हैं वन मोल ऑफ आयनिंग कंपाउंड से इनटू सेपरेट अपोजिटली चार्ज आयन। लैटस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो लैटस एनर्जी साइज ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, स्मॉल साइज होगा तो ग्रेटर विल बी लैटस एनर्जी। चार्ज ऑन दिया इन कौन सा चार्ज है उनके ऊपर, कैसे उनकी इंट्रैक्शंस हो रही है, हिंस हायर दी लैटस एनर्जी। तो उनकी इंट्रैक्शंस कैसे हो रही है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, हाई हमारे पास लैटस एनर्जी हो जाती है। नेक्स्ट इज जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिंग कंपाउंड। तो क्या क्या है हमारे जनरल करेक्टरिस्टिक्स, लाइक फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट, सेकेंड इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। तो ये बच्चे हमने आपके प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं और हमने थर्ड चैप्टर में भी डिस्कस किया था क्या होते हैं फिजिकल स्टेट। दिस इज योर होमवर्क, आपने खुद पढ़ना है ये। तो नेक्स्ट इज आयनिक रिएक्शंस। तो आयनिक रिएक्शन में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस आयन इन द सॉल्यूशन। तो आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं आयंस को इन सॉल्यूशन, विच गिव्स वेरी फास्ट रिएक्शन विदाउट अपोजिटली चार्ज आयन। तो जो फास्ट रिएक्शन देता है अपोजिटली चार्ज से, फॉर एग्जाम्पल ये आपके लिए एग्जाम्पल शो की है मैंने, NaCl AgNO3 रिएक्ट करते हैं, AgCl फॉर्म हुआ हमारे पास NaNO3, सोडियम नाइट्रेट नाइट्रोक्साइड। तो ऐसे हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज कोवालेंट बॉन्ड। तो कोवालेंट बॉन्ड में क्या होता है, तो लुइस लिगमेयर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर एटम बाय म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ए कोवालेंट बॉन्ड। तो हमारे पास टू एटम होते हैं, जब भी उनमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, मतलब टू से ज़्यादा एटम भी शेयर हो सकते हैं, वन भी शेयर हो, टू भी टू शेयर हो सकते हैं, टू से ज़्यादा। जैसे हमारे पास कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे लाइक सी हैविंग ए, देखो एच के साथ बॉन्ड बनाता है लाइक दिस। तो इनमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, मतलब इन्होंने शेयरिंग की। इफ़ द कंबाइनिंग एटम आर द सेम ऑफ द मॉलिक्यूल्स नोन इज होमोटॉमिक। तो जो हमारा कंबाइन एटम होगा वो सेम होगा तो उसको होमोटॉमिक बोलते हैं। If they are different, this is known as a heterotomic molecules. For example, हम formation of hydrogen molecules, तो first मैंने example में show किया है H के साथ H की sharing हो रही है। तो ये यहाँ पर देखो two bond share हुए हैं और हमारे पास HH का single bond formation हो चुकी है। Next is O के साथ, ऐसे इनकी double bonding क्योंकि two electron share किए थे, ऐसे हम जितने electron share करते हैं उसके according ही उनकी bonding होती है। This is called covalent bond. तो नेक्स्ट इज लुईस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैन बी रिटन थ्रू दी फॉलोइंग स्टेप्स, हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है। ईच अनायन मीन एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, अनायन का क्या मतलब है, एडिशन होगी वन इलेक्ट्रॉन की। ईच कटाइन मीन्स रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो ईच कटाइन को मतलब रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। दिस गिव्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी डिस्ट्रीब्यूट, तो क्या देगा ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगा। बाय नोइंग केमिकल सिंबल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम आफ्टर प्लेसिंग शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर सिंगल बॉन्ड, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन मे बी अकाउंट एज ए मल्टीपल बॉन्ड्स एज ए लोन पेयर। तो मैं आपको इसे एग्जाम्पल शो करती हूँ, इससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल आयन दिया गया और लुईस रिप्रेजेंटेशन शो की है, जैसे देखो इनकी वैलेंस ही बताई गई, जैसे सी की क्या होती है 4, तो यहाँ पे ये देखो शो किया गया है। तो ये देखो, तो ऐसे सभी की मतलब यहाँ पे शो की गई है, जैसे O2 की 6 होती है, तो ये देखो यहाँ पे शो किया गया और रिप्रेजेंट किया गया लुईस स्ट्रक्चर्स को। तो ये बच्चे आपने लर्न करनी है सभी की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट इज फॉर्मल चार्ज, ये आपका हम आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहाँ तक आपने अच्छे से करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।